आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टीएमसी के गुंडे जा रहे हैं। गुंडे तो हैं। कहाँ पे रहते हो? हम लोग रहते हैं खुट्टाडी में, कंडीशन से खुट्टाडी। खुद वो रेट लगाती है कि अगर हाफ मर्डर हुआ विथ रेप तो 50,000, और अगर इनकेस अगर कोई डेथ हो जाता है उस तो शायद कुछ और ज़्यादा, उसमें कुछ और अमाउंट बोल रही है। नरेंद्र मोदी ने जो भी लागू किया, दीदी ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया नहीं, उन्होंने वहाँ से भेजा लेकिन इन्होंने यहाँ से रोक लिया। इनके कर्मचारियों ने सबने काटमानी बहुत सारा खाया है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ वहाँ से दिया लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं, लिया तो अपने लोगों को ही दे दिया। नाम कुंदन सिंह, क्या होगा इस बार बीजेपी सरकार आएगी? क्यों आ रही है? क्यों आएगी? सबके लिए भलाई के काम किए ये दीदी कह रही है, हम कर रहे हैं। दीदी हम क्या किया? दीदी क्या किया? गरीब लोगों को खाना पीना नहीं दी है, गैस चूल्हा नहीं दिया है। मोदी सरकार तो हमारे लिए गैस चूल्हा दिए है, गरीब का कोरोना का टाइम में हमारे लिए भलाई का काम किए है, गेहूँ चावल दिए है। आसनसोल से बीजेपी पूरी जीतेगी? हाँ 100% जीतेंगी, 100% जीतेंगी। अच्छा दीदी जो सीआईएसएफ ने जो गोली मारी थी कूच बिहार में 4 लोगों पे, उन लोगों की सौ के साथ रैली करने की बात कर रहे हैं, नहीं वो गलत बात है, क्या कहेंगे? इतने इसलिए कुछ नहीं बोला। अच्छा दीदी ऐसा क्यों कर रही है? दीदी वो अपना उसका मुद्दा ही है, हर बार मुद्दा ही चेंज होता है कि ये जय श्री राम बोलने वाले को जेल घुसा देंगे, जय श्री राम बोलने वाले है। मेरा बीजेपी का एक ही कहना है, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम का नारा सबसे ज्यादा बंगाल में चल रहा है, क्या हो गया ऐसे? क्यों कि 2019 का रामनवमी सभा में ही बिहारी लोग को लोकसभा केंद्र में वो निकालने रैली नहीं दी थी, मावडन किए लिए वो रैली निकालने दी थी, इसलिए बिहारी बहुत उससे गुस्सा है। परिवर्तन होगा ही, सरकार आएगा परिवर्तन होगा ही। दो मई को किशन गांधी मुखर्जी हमारे कैंडिडेट 5,000 वोट से आसनसोल से जीतेंगे, 5,000 से 100% मलाई घटक को चुनौती देंगे। चंदन रविदास। अच्छा बंगाल में क्या होने जा रहा है? मैं हिंदी बोलते उन्नति होने जाने वाला है। अच्छा उन्नति परिवर्तन होवे? हां परिवर्तन होवे। क्यों होवे परिवर्तन? मोदी जी आए परिवर्तन होवे। अच्छा दीदी ने कुछ काम नहीं किया? কিছু করছে না, কই সেরকম কিছুই তো করে কিছু নেই, কিছু না দিদি, কিছু করে নাই, কিছু করে নাই দিদি, কিছু করে নাই। তার জন্য আমরা চাইছি যে ভাজপাইকে চাইছি, ভাজপাই এলে পরে সবই হবে, কাজ হবে। আর দিদি? दीदी कुछ करे नहीं, कुछ नहीं कर। नरेंद्र मोदी ने जो भी लागू किया, दीदी ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया नहीं, उन्होंने वहाँ से भेजा लेकिन इन्होंने यहाँ से रोक लिया। इनके कर्मचारियों ने सबने काटमानी बहुत सारा खाया है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ वहाँ से दिया लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं, लिया तो अपने लोगों को ही दे दिया, गरीब जनता को, आम जनता को किसी को दिया नहीं। आयुष्मान भारत प्रकल्प अगर लागू होता तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड कुछ होता नहीं, 5 लाख तो एटलीस्ट लोग पाता एक आदमी पर, लेकिन उन्होंने वो भी लागू नहीं होने दिया। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ये हेल्थ से जो उन्होंने खिलवाड़ किया, ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। अच्छा आसनसोल में क्या प्रॉब्लम है यहाँ? प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। क्या क्या? सबसे मेन प्रॉब्लम है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, रोड जाम अच्छे, रोड जाम अच्छे, नारी सुरक्षित नहीं, जलर खूब परिस्थिति कम, जलर सरकम व्यवस्था नहीं। क्या चाहते हैं आप बंगाल में जब बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है तो क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री से? सबसे पहले तो टीएमसी का गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, लोग आराम से जी पाएंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो अभी हम लोग आए तो अभी डर लग रहा है कि कहीं कोई टीएमसी गुंडा देख लेगा तो पता नहीं क्या करेगा, डर के ही आए, एटलीस्ट वो डर निकल जाएगा अगर बीजेपी आ गया तो। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि डरो मत, हम हमारी सुरक्षा पूरी है, देखा आपने रास्ते में सुरक्षा थी? हाँ सुरक्षा थी। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टीएमसी के गुंडे जा रहे हैं? गुंडे तो हैं। कहाँ पे रहते हो? हम लोग रहते हैं खुट्टाडी में, कंडीशन से खुट्टाडी। अच्छा तो इस इलाके में ज्यादा है? है? क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए बंगाल? बंगाल में परिवर्तन होले और की चाहिए? हमरा परिवर्तन चाहिए, हमरा महिला सुरक्षा चाहिए, महिला तो लगा पड़ा करे बसे আছে মহিলারা আমাদের ছেলে মেয়েরা 18 বছর হয়ে গেছে, তাদের কিছু কাজ নাই, তারা কিছু পাচ্ছে না,
वही कुछ चाहे हमरा। दीदी एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सबसे बड़ी कठोरता है उनका कि जो वो खुद रेट लगाए, जो वो खुद वो रेट लगाती है कि अगर हाफ मर्डर हुआ विथ रेप तो 50,000, और अगर इनकेस अगर कोई डेथ हो जाता है उस तो शायद कुछ और ज्यादा उसमें कुछ और अमाउंट बोल रही है। तो वो दाम लगा रही है, वो बोली लगा ले रही है महिलाओं का। तो इससे हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह से एक महिला होकर, तब तो हम यही बोलेंगे ना कि आप तो खुद माँ नहीं बनी शायद, इसीलिए महिलाओं के अंदर की दर्द को आप समझ नहीं सकते हैं। शायद अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको समझ में आए कि रेप क्या होता है, आप ऐसे बोली ना लगाते। तो ये चीज आपको कहाँ से पता चली? मीडिया से। अच्छा, आप क्या कहेंगे? যা বললো আমাদের মহিলা মোর্চা এইটাই এটাই ফাললেন। और सरकारी सुविधाएं कुछ मिली यहाँ? कुछ नहीं। क्या क्या सुविधाएं? कुछ मिले नहीं, जितना भी योजना लेकिन ना बाथरूम दीजिए ना घर दीजिए ना किछु दी किछु ही पाए नहीं हमरा। गैस सिलेंडर भी नहीं? ना गैस तो मोदी पेची, मोदी दीदी थे जो दीदी रही थे जो हमारा जब मोदी जब गैस दिया गैस भी ब्लैक मनी किया ही लोग। हाँ, जो फ्री में गैस था वो गैस के लिए 1600 रुपया लिया, उसका बाद ये लोग बोल रहा है कि फ्री में मिल रहा है। जब मोदी पूरा पश्चिम बंगाल में एकदम पूरा जो झाड़ उठा दिया उसका बाद ये लोग बोल रहा है कि गैस फ्री में दे रहा। लेकिन मैंने जब पहले हम लोग का 45 लाख रुपया पानी के लिए आया था, सीपीएम राज चला गया, टीएमसी राज अब जाने वाला है। हम लोग का वहाँ पर प्योर जामबाद में डीबीसी का पीने योग्य पानी कभी नहीं मिला, और इस बार केंद्र से आया भी पानी के लिए पैसा 45 लाख रुपया फंड आया, टीएमसी वालों ने रोक दिया, बोला अभी कोई काम नहीं होगा, अगर काम होगा तो यहाँ तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। तो ऐसे करके जितना भी केंद्र से योजना आ रहा है सारा योजना को ये लोग या तो अपने नाम से चला दे रहे हैं या तो उस योजना को चलने नहीं दे रहे हैं ताकि मोदी जी का नाम होगा। क्योंकि जितना भी योजना हमारा क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना, हम लोग का मुद्रा योजना, हम लोग का जितना भी योजना चला है सबका दीदी ने क्या किया, सारा योजना को दबा दिया, यहाँ बंगाल में लागू नहीं होने दिया, एक भी जनता के पास पहुँचने नहीं दिया, ये सोच के कि जनता ये समझेगी कि ये केंद्र सरकार कर रही है और मोदी जी का नाम ही वो नहीं होना देना चाहती है, यही प्रॉब्लम है। आप क्या चाहते हैं बंगाल के लोगों को, आप क्या मैसेज देंगे वोटिंग? बंगाल के लोग वोटिंग करेंगे बीजेपी को 100%। अब अगर टीएमसी के गुंडे किसी को डरा के अगर बूथ कैप्चरिंग करते हैं इनकेस तो पता नहीं क्या, लेकिन अगर स्वेच्छा से इंसान वोट देना चाहे तो डेफिनेटली 100% वोट बीजेपी को ही जाएगा। दीदी ने कहा था परिवर्तन होगा, तो हम लोगों ने देखा कि परिवर्तन तो हुआ, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, झंडा परिवर्तन हुआ, लाल झंडा से हरा झंडा हो गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ दादा। परिवर्तन के नाम से यही हुआ, कोयला चोरी हुआ, जम के कोयला चोरी हुआ, हर जगह कोयला माफिया लोग को फिर से एक्टिव कर दिया गया, और जितना भी बालू हम लोग का इलाका में था सारा एकदम ब्लैक करके भेज दिया गया। और जब केंद्र से कोरोना के समय में जिस समय लोगों के साथ जाके खड़ा रहना चाहिए नेताओं को, उस समय भी गंदी राजनीति हुई, ऊपर केंद्र से हमारा जितना भी चावल वावल जितना भी राशन आया उसको बांटने की जगह सब बेच दिया गया, सबको इधर उधर ट्रक ट्रक सब बेच दिया। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो, बीजेपी सरकार आए, ताकि जितना भी योजना मोदी जी ने लागू किया है सारा योजना धरातल पर आए, जमीन पर आए और सब योजना का लाभ जनता को मिले। ये नहीं कि टीएमसी वाले क्या करते हैं, जो भी योजना आता है सारा योजना अपने नेताओं के बीच बांट देते हैं, जनता के पास कुछ नहीं पहुंचता है। जनता के पास पहुंचते पहुंचते अगर एक रुपया आया है जनता के पास पहुंचेगा 10 पैसा, तो ये कट मनी जो है इससे हम लोग परेशान हैं, और इसी से परेशान पूरा बंगाल का जनता है, और बंगाल का जनता इस बार वोट में दीदी को चोट देगा और दीदी को सत्ता से बाहर करेगा। यही जनता सीपीएम को बाहर किया था, आज यही जनता तृणमूल को उखाड़ के फेंकेगा, और हम लोग मोदी को ला रहे हैं और बंगाल में विकास होगा, कोई खेला वाला नहीं होगा, विकास होगा, जो भी होगा विकास होगा। हम लोग खेला का बात नहीं करते हैं, हम लोग विकास का बात करते हैं, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग पानी का कमी से त्रस्त हैं, हम लोग रोड का कमी से त्रस्त हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसा हम लोग का पास सुविधा जो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, हर जगह हमारा बूथ में ICDS होता है, बहुत सारा ऐसा बूथ है जहाँ पर ICDS भी नहीं दिया गया, और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉल तक नहीं है,
बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर 10 आदमी को बैठने के लिए चबूतरा नहीं है। बहुत सारा आज भी इतना ऐसा रोड है जहाँ कचरा फैला हुआ है, उस रोड पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग का जाम का हमेशा समस्या बना रहता है। हम लोग उखड़ा में हाई ब्रिज होना चाहिए, और वो हाई ब्रिज के लिए हम लोग बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो हाई ब्रिज के 10 साल हो गया टीएमसी राज में, लेकिन हाई ब्रिज को लेके, उखड़ा हाई ब्रिज को लेके कोई आज तक कोई बातचीत नहीं हुआ। कोई भी टीएमसी का नेता आज तक इस मुद्दा को लेके बोला नहीं कि उखड़ा में हाई ब्रिज होगा, जो भी जाम का समस्या वो खत्म हो। तो आप क्या कहेंगे दीदी को जब प्रधानमंत्री ओ दीदी के कह रहे हैं, तो दीदी कह रही कि वो मुझे गाली दे रहे हैं? तो दीदी कह रहे तो गाली इसमें कहाँ है, दीदी को प्रॉब्लम है, शायद दीदी का कोई मेंटली प्रॉब्लम है। दीदी कह रहे हैं उसको, नरेंद्र मोदी का उसको दीदी कह रहे हैं, बहुत खुशनसीबी वाला बात है। और एक बार दीदी ने कमेंट किया था कि वो कौन है, तू हमारे टका दी चीज, तू हिसेब चाहिए भी, तो नरेंद्र मोदी से उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तू ही शब्द का यूज़ करना ये कहाँ तक उचित है ये तो पता नहीं। शायद दीदी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है कि नरेंद्र मोदी के लिए जय श्री राम बोलने पे वो बोलती है कि इसको जान मार दो, तो जय श्री राम इसका मतलब क्या, वो मोहम्मदन है, वो MD है, मुस्लिम है, अगर वो हिंदू है तो ये बात कभी नहीं बोलती। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम इस बात से हो रहा है कि वो कहती है ममता बनर्जी, दैट मीन्स वो ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो हिंदू नारा से जैसे राम बोले से उनको इतना प्रॉब्लम, तो कुछ तो लोचा है उनके अंदर या दिमाग में या फिर कोई उनका किसी चीज़ में। आप भी बोलेंगे ओ दीदी को बोल, हाँ दीदी ओ दीदी, तो प्रॉब्लम क्या है दीदी तो सम्मान वाली बात है, हमने तो तू भी नहीं कहा कुछ नहीं कहा, दीदी कहा, दीदी तो सम्मान वाला बात है। हम लोग BJP में हर एक दूसरे को दीदी और भैया बोलते हैं, नो अंकल नो चाचा चाची कुछ नहीं। हमसे 60 साल का बुजुर्ग इंसान भी होगा तो हम उन्हें भैया ही कहेंगे, और वो भी हमें दीदी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हमको नाम लेके पुकारेंगे या कुछ और बोलेंगे, दीदी दीदी तो बहुत सम्मान वाला बात है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। दीदी को दीदी दीदी भाई की दीदी के दीदी बोले ना অন্য কিছু বলে পিসি বলে নাকি দিদির ভাইকে দিদিকে দিদি বলবে না তো কি বলবে আমাদের ভাইরা কি আমাদের দিদি বলে না না কি বলে বলুন তো তাহলে ও দিদি বলার কি খারাপ দিদিকে দিদিই বলছি ওইটাতে কোনো গালের প্রশ্ন নেই।